पावर ऑफ थॉट्स हैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ एनर्जी, सबसे पावरफुल एनर्जी थॉट्स हैं, क्योंकि थॉट से ही पूरी सृष्टि की संरचना होती है। सब कुछ इसी थॉट ने बनाया, ईश्वर के थॉट ने पूरी सृष्टि की संरचना करी, और मेरे उसी ईश्वरीय थॉट हमारे अंदर भी आते हैं और उससे हम इस सृष्टि को सुंदर बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पे कब्जा हो गया है हमारे शरीर का, तो हम विकारी हमारी थॉट्स हो गए, इसलिए सृष्टि में भी विकार आ गया है। तो थॉट्स को जब पैदा करते हैं हम, तो जो भी थॉट हम बनाते हैं वैसे ही थॉट इस एनवायरनमेंट में भी टहल रहे हैं, बहुत ढेर सारे थॉट्स टहल रहे हैं। कुछ प्रेम के हैं, करुणा के हैं, दया के हैं, ईर्ष्या के हैं, क्रोध के हैं, अहंकार के हैं, वो थॉट भी हैं, काम के हैं। तो जैसे थॉट हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस वाइब्रेशन की, थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वाइब्रेशन होती है, तो थॉट शरीर के अंदर तो जाता है, तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर देता है अगर विकारी थॉट्स हैं। जब हमारा थॉट्स जाते हैं शरीर के अंदर करुणा के, प्रेम के, तो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स उसी तरीके से एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी रिलीज होते हैं, और इन सब के प्रभाव से हार्मोन्स भी उसी तरह से रिलीज होते हैं। हार्मोन यदि नॉर्मल, अगर हम प्रेम के करुणा के, तो हार्मोन हमारे नॉर्मल रिलीज होंगे, और जब हम ईर्ष्या द्वेष क्रोध में होंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सब कुछ अंदर भी होता है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बाहर होता है। बाहर ये होता है कि हमारे एक फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशन निकलते हैं बाहर, और वो उसी तरीके के थॉट्स को एनवायरनमेंट से कलेक्ट कर लेता है। तो इसको कहा जाता है, ईश्वर कहते हैं कि मैं पदम गुना कर देता हूं। तो पदम गुना करने का तरीका यही है कि हम अपने थॉट्स को स्ट्रांग बना लेते हैं। लेकिन जब आप करते क्या, हर पल थॉट आपके निगेटिव होते हैं, तो आप एनवायरनमेंट के निगेटिव थॉट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो एनवायरनमेंट के निगेटिव थॉट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और निगेटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए सारे मनुष्य जिस स्थिति में पैदा होते हैं उस स्थिति से अंत तक रोज डिटेरियरेट कर रहे हैं। वो कुछ खुद पैदा कर रहे हैं जो संग्रहित थॉट्स हमारे मेमोरीज में, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मेमोरीज है, वो सब विकारी मेमोरीज है, और उसके अलावा हम फर्दर एनवायरनमेंट से क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेरियरेट करते हैं। अन्यथा जो हमारा हॉरोस्कोप है, वो हॉरोस्कोप सिर्फ उस दिन का है जिस दिन हमने जन्म लिया था, उसके बाद का हॉरोस्कोप मेरे मुट्ठी में है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हॉरोस्कोप बदलता जाता है, और हम पूरे हॉरोस्कोप को, हाथ की रेखाओं को सब बदल सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में हम जैसे पैदा होते हैं लगभग उसी गति में या उससे खराब गति में मृत्यु होती है, तो हमारा हॉरोस्कोप बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो कोई भी पंडित पढ़ के बता देगा, देख के बता देगा, आपका ये चल रहा है, ये राहु काल चल रहा है, ये फला काल चल रहा है, और इस काल में ये होने वाला है। लेकिन जिस क्षण आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वरीय गुणों से जुड़ जाते हैं, उस क्षण आपका भाग्य बदलना चालू हो जाता है।